दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं कि आपका जो ओवरी है यानी अंडाशय है उसके अंदर अगर आपको गांठ समझ में आया है या फिर आप अपने डॉक्टर्स के यहाँ गए, आपका डॉक्टर्स ने एक अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट निकाला, आपका जांच हुआ, उस जांच में आपको लिखा है कि आपके ओवरी के अंदर एक गांठ आया है, तो आप घबरा चुके हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में पूरा अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ओवरी में गांठ है, आपके ओवरी के अंदर सिस्ट हो चुका है या आपके ओवरी के अंदर ट्यूमर है या एडिनोमा या फाइब्रोनोमा है तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, पूरा का पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे केवल हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके ओवरी के अंदर गांठ है या ओवरी के अंदर सिस्ट हो चुका है तो किन कारणों से हो सकता है और कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो इसका कारण होता है मेनली ये जो होता है आपका है कि जेनेटिकल्स भी हो सकता है, यानी आपके घर में किसी को हो था तो आपको भी हो सकता है। आपके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके वजह से भी ये हो सकता है। ये मेनली देखिए टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के इसको कहा गया है। एक आपका होता है कैंसरस या ट्यूमरस, एक होता है नॉन कैंसरस होता है। इसको हम लोग नॉन कैंसरस के अंदर है, और भी तीन प्रकार के होते हैं जिसके अंदर की है ल्यूटियम सिस्ट हो सकता है, फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है, PCOS हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। न्यूओप्लास्टिक में यानी जो कि आपका ट्यूमर या भविष्य में कैंसर बन सकता है उसके अंदर फाइब्रोमा हो सकता है, एडिनोमा हो सकता है, आपका जो है कैंसर है तो ट्यूमर भी हो सकते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपके सही पे ऐसे कौन से साइन सिम्टम या लक्षण देखेंगे कि आपको लग सकता है कि हो सकता है कि आपके अंडाशय यानी आपके ओवरी के अंदर गांठ हो सकता है। तो सबसे पहले आपका जो अम्ब्लाइकस यानी जो नाभि है, नाभि के नीचे आपके दोनों साइड में लोअर एकिंग पेन होना शुरू हो जाएगा। यानी लोअर एकिंग पेन का मतलब क्या है कि अगर आपके दोनों अंडाशय में दोनों ओरी के अंदर गांठ है, यानी आपका जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है दोनों के अंदर है, तो दोनों तरफ आपको हल्का हल्का दर्द समझ में आएगा। केवल एक साइड है यानी आपका केवल लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में दर्द होगा। अगर आपका केवल राइट साइड में, तो केवल राइट साइड में आपके नाभि के नीचे हमेशा दर्द बना रहेगा। धीरे धीरे कुछ महीने में, एक महीना, दो महीना, चार महीना में आप देखेंगे कि उस पे एक आपको आम के गुठली जैसा नजर आएगा। यानी आप दबाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, छोटा छोटा एक मांस का गुत्थी जैसा वहां पे समझना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वो जो मांस का आकार वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में आपको नौसिया होगा, आपका जीभ मिचलाएगा, आपको उल्टी होना शुरू हो जाएगा, आपको एंजाइटी होगा, आपको खाना खाने में मन नहीं लगेगा, आपका पूरा शरीर थकावट जैसा लगेगा, बुझा बुझापन लगेगा, ये सब आपको शरीर के अंदर लक्षण समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका ये जो ओवरी है उसके अंदर ट्यूमर है वो बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है, तो आपके पैर के अंदर पानी वगैरह भरना शुरू हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, आपके पैर के अंदर पीटिंग एडिमा हो जाएगा, आपका जो पेट है उसके अंदर भी पानी भरना शुरू हो जाएगा, उसको एसाइटिस या जलोदर हम लोग कहते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो हमारे मेन वेन्स होते हैं इसको ट्यूमर्स बड़ा हो जाता है जब हमारा ओवरी का, तो उसको दबाना शुरू हो जाता है, तो जैसे जैसे वो दबेगा तो आपका जो सप्लाई है वो इंटरप्ट होगा, यानी सप्लाई जो हो रहा है वो बाधित होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपको एसाइटिस है या जो आपका पैर वगैरह उसके अंदर भी पानी भरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी जांच कराई जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले दोस्त हम लोग कलर फ्लो डॉपलर इमेजिंग कराते हैं, सोनोग्राफी एक कराते हैं, इसके अंदर की ओवरी के बारे में पूरा डिटेल हमको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर कौन सा गांठ है या सिस्ट है या फाइब्रोमा एडिनोमा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर इसके अंदर हम लोग है एक एक्सरे वगैरह भी करा सकते हैं, एक्सरे से बहुत अच्छा एक सीटी स्कैन या MRI होता है, उसको भी हम लोग करवाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ में हम लोग आपका खून जांच करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो हम लोग बायोप्सी वगैरह भी करवाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट कैसे होता है। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो आपका केवल केवल सर्जरी के ही माध्यम से होता है, लेप्रोस्कोपी होता है या फिर आप ओपन सर्जरी करा देते हैं। कभी कभी आपको मालूम ही नहीं होता है कि आपके अंदर, आपके अंडाशय में, आपके ओवरी के अंदर गांठ है,
क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, और छोटे छोटे सिस्ट होते हैं ओवरी के ऊपर ढेर सारे, तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो भी आपका नियमित रूप से आता रहेगा। तो कभी आप बाई चांस आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं या फिर किसी डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, वो डॉक्टर्स आपका एग्जामिनेशन करता है, तब उसको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ गांठ नुमा आता है, तब एक्सीडेंटली भी इसको डॉक्टर डिस्कवर करते हैं कि आपके ओवरी के अंदर लग रहा है कि सिस्ट वगैरह या ट्यूमर या एडेनोमा फाइब्रोमा ये सब का डेवलपमेंट हो चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।